खंड के 47 गांवों से एकत्रित की गई मिट्टी। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी खरखौदा व अध्यक्ष पंचायत समिति द्वारा खरखौदा के थाना कला रोड जागृति स्थल पर खरखौदा में सोमवार को मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी खरखौदा दीपिका शर्मा की अगुवाई में किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन पर जिला में चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ग्रामीण व शहरी स्तर पर अमृत कलश यात्राएं निकाली जा रही है, जिनमें प्रत्येक घर से मिट्टी एकत्रित की जा रही है, ताकि जिला के हर घर से मिट्टी एकत्रित कर इस मिट्टी का उपयोग देश की राजधानी के कर्तव्य पथ पर देश के अमर शहीदों के याद में बनाई जा रही अमृत वाटिका में हो सके। इसी कड़ी में सोमवार को खरखौदा स्थित जागृति स्थल पर खंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी गांवों से अमृत कलश एकत्रित किए गए, जिसके मुख्य अतिथि विधायक जयवीर सिंह रहे, जिनका कार्यक्रम में पहुंचने पर बीडीपीओ दीपिका शर्मा द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मान स्वागत किया गया, जहां ब्लॉक खरखौदा के 47 गांव की मिट्टी को सरपंचों द्वारा अलग अलग मटकियों में लाई गई और सभी मटकियों में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर एक मुख्य मटकी में डाली गई। इस अवसर पर विधायक जयवीर सिंह ने कहा कि आज महात्मा गांधी जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। वह दोनों ही पुण्य व महान आत्माओं को इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके साथ ही वह कहना चाहते हैं कि हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करने में हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिनके चलते ही आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में हमेशा ही तत्पर रहे। इसके साथ ही आज हल्के के 47 गांव की मिट्टी को एकत्रित कर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए भिजवाया जा रहा है। इन गांव की मिट्टी का अंश स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेगा और हल्के के सभी गांव के लोग इससे प्रेरणा लेंगे कि हमारे देश को जिस कठिन संघर्ष व प्राण निछावर कर आजादी दिलाई गई है, उसे हम हर कीमत पर सहेज कर रखें। इस दौरान उपस्थित लोगों व स्कूली बच्चों को पंच प्रण और स्वच्छता ही सेवा है अभियान की शपथ दिलाई गई। उपस्थित सभी लोगों व बच्चों ने संकल्प लिया कि हम अपने देश के विकास के लिए हमेशा पूरी ईमानदारी व लगन के साथ कार्य करेंगे और अपने घर और देश को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। वहीं इसी दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले प्रताप स्कूल खरखौदा के खिलाड़ियों को विधायक जयवीर सिंह व बीडीपीओ दीपिका शर्मा द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन का कार्य झरोट राजकीय स्कूल के पीटीआई राजेश ने किया। इस अवसर पर कल्पना चावला विद्यापीठ स्कूल की छात्राओं ने देशा में देश रे भारत, भारत में हरियाणा तथा एमडीएस स्कूल पीपली के छात्रों ने हर घर तिमिरगा देशभक्ति सांग पर ऐसी मनमोहक व ऊर्जावान प्रस्तुति दी कि जागृति स्थल देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस मौके पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी नवीन गुलिया, राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल मटिंडू से नरसिंह दहिया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यकारी अधिकारी दिलबाग दहिया, नवीन, देवेंद्र, राजेंद्र सहित जिला नेहरू युवा केंद्र के युवा तथा स्कूली बच्चे व अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाए, इसके तहत सबसे पहले आज हमारे आदरणीय महापुरुष महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। इस अवसर पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं महान आत्माओं के लिए और आज का ये जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल उन स्वतंत्रता सेनानियों है जिन्होंने कुर्बानियां देकर
की मन की धन की और इस देश को आजाद करा। आज उन्हीं की वजह से हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हम आजादी की सांस ले चुके। इसमें हमारे महापुरुषों पता नहीं कितनी कुर्बानियां दी, उसमें हमारी माता बहने सभी, और इस आजादी को संभाल के रखना हमारा फर्ज बन रहा कि हमारे इस प्यारे देश को, भारत को, इस आजादी को कोई नाम सुना रहे। हम सब ने मिलकर अपने देश को उन्नत बनाना है, विकास की बनाना है और उसी पे हमने काम करना चाहिए। आज देश आगे बढ़ रहा है हमारे युवा खिलाड़ियों की वजह से, हमारे जो विचारधारा स्वतंत्रता सेनानियों की है उसकी वजह से, हमारी महिलाओं की वजह से जिनका आज काफी योगदान है। उम्मीद करते हैं कि जो हमारी तकरीबन 47 से 47 गाँव की मिट्टी है, हमारे गाँव की और सभी जो उन्हीं को समर्पित है, तो आज इस कार्यक्रम में आपने जो मान सम्मान दिया शामी में आभार प्रकट करता हूँ। आप सब यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।